है गाइज जैसा कि आप लोग जुड़े हुए हैं ई लर्नम फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग अकेडमी डॉट इन वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो ई e लर्नम जब हम अपना ई e लर्नम की तरफ मूव कर रहे हैं और एस एल ए जो जस जाना जाता था पहले उसी का न्यू नाम है ई लर्नम सो नाउ इट इज़ ई लर्नम सो वन मंथ स्ट्रैटेजी टू क्लियर द जी आर एफ एग्जामिनेशन बाई वीरेंद्र सिंह चलिए जैसा कि आपको पता है मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है ये कोर्ट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल बट पीपल्स हु नेवर क्विट ठीक है जीतते वही हैं जो हारते नहीं जीतते जीतते वो हैं जो हारते नहीं जीतते वो हैं जो हार नहीं मानते हारने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में लेकिन हार नहीं मानने वाले जो लोग होते हैं वही जीत जाते हैं ये ध्यान रखे रहिएगा चलिए सो इसके नीचे आपके नंबर दिए गए हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए जहाँ पर दिखा हुआ एट या

जिसको कि एप्टीट्यूड सेक्शन बोला जाता है यानी जिसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा आपसे विल हैव द 50 क्वेश्चन जनरली इसके पास 50 क्वेश्चन होते हैं एंड 50 क्वेश्चन आर कम्पल्सरी कंपल्सरी इज नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू ऑप्ट ऑलवेज मतलब आपको जितना आता है आप कर लो दैट ऑल द क्वेश्चन विल बी कम्पल्सरी मतलब यहाँ पे आपको चॉइसिस नहीं मिलेंगी आप अगर करना चाहेंगे तो आप पूरे पूरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं नहीं करना चाहेंगे तो जीरो क्वेश्चन को भी कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक नंबर के होंगे सो so, सेक्शन बी दूसरा जो आ जाता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शंस आपको पहले सेक्शन में एप्टीट्यूड मिलेंगे इसमें क्या एक्चुअली मिलने वाले हैं इसमें आपके साइंटिफिक फिनोमिना इन एवरी डे लाइफ जो साइंटिफिक फिनोमिना लाइट वे पॉल्यूशन सब चीजों में जनरल नॉलेज इन द साइंस इन सब रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बाद कॉमन स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो होते हैं प्रॉब्लम्स आ जाते हैं दीज थ्री बेसिक जो होते हैं बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन अगर स्टैटिस्टिक्स तो कभी मैं

वन बाई फोर्थ यानी जीरो पॉइंट टू फाइव फॉर ईच इन करेक्ट क्वेश्चन जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे उनके लिए जीरो पॉइंट टू फाइव नेगेटिव मार्किंग की तरह काम करेगा द क्वेश्चन इन बोथ सेक्शंस वुड अपीयर इन इंग्लिश ओनली दोनों सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही अपीयर होंगे इंग्लिश में ही अपीयर होंगे इंग्लिश में अपीयर होंगे यानी कि हिंदी का कोई चांस नहीं है यहाँ पे इंग्लिश अवेलेबल हो जाएगा कई लोग हिंदी इंग्लिश हिंदी मिक्स करते रहते हैं लेकिन दिस शुड बी द इंग्लिश ओनली इंग्लिश हो जाएगा सो यू विल हैव द टू सेक्शंस जहाँ पे आपने देखा था ए एंड बी ए और बी पाया जा रहा था ए सी तो सोशल साइंस के लिए है ए में पचास क्वेश्चन है बी में सौ क्वेश्चन है टोटल आपको ए में से पचास के पचासों में से पचास भी कर सकते हो नहीं भी आता नहीं भी कर सकते हो और बी में से सौ में से पचहत्तर कर सकते हो पचहत्तर आ रहा है तो कर लो नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है लेट्स टॉक अबाउट लाइक क्या है सिलेबस अगर हम एप्टीट्यूड और लाइफ साइंस के ऊपर हम बात करते हैं दिस इज एप्टीट्यूड वन जैसा चैप्टर वन साइंटिफिक फिनोमिनाज में हरिकेन रेन स्नो अर्थक्वेक सुनामी विंड टॉर्नेडो वुल्कैनो ग्रीन हाउस इफेक्ट एरो जो में होता रहता है उनके बारे में साइंस सिंथेटिक मटेरियल्स मेजरमेंट्स आर टॉपिक्स से साइंस साइंस जनरल नॉलेज जो होते हैं, में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अलावा सम क्वेश्चन फ्रॉम द कॉमन स्टैटिस्टिक्स लाइक डिस्प्लेइंग द डेटा लीनियर रिग्रेशन एंड को मीन मीडियन मूड प्रॉबेबिलिटी हाइपोथिस टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछे जाएंगे यानी सेक्शन ए में पूछा जाएगा वेन यू टॉक अबाउट द सेक्शन टू बी या सेक्शन टू जहाँ पे अंडर द लाइफ साइंस कौन कौन से होते हैं माइक्रो बायोलॉजी फिजियोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स ह्यूमन न्यूट्रीशंस ह्यूमन बायोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स इम्यूनोलॉजी फॉर्मैकोलॉजी जुलॉजी इन्वायरमेंटल साइंसिस बॉटनी पब्लिक हेल्थ एंड वेटनरी साइंसिस बायोन्फोमेटिक्स सो दीज आर द टॉपिक्स जहाँ पे कि आपके लाइफ साइंस के दूसरे सिलेबस में पूछा जाता है तो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड सिलेबस ऑल दो घंटा ब्रॉड सिलेबस लेकिन क्वेश्चन का लेवल वैसा ही होता है जैसा कि एक मिनट के अंदर कर लिया जाए हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस आने वाले जो क्रैश कोर्सेज हैं जो आपको बताया गया था वेबसाइट पर वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं आप सो so, अगर एग्ज़ाम की नॉर्मली बात करें कि कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस करी कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जो प्रोबेबल सिलेबस था इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो स्ट्रैटी मस्ट बी लाइक मोस्टली डायरेक्ट सो कैन यू लाइक सो आप क्या कर सकते हैं कि आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं अगर एग्जाम के एनालिसिस करोगे ना तो क्वेश्चन आर मोस्टली डायरेक्ट आंसर्स डायरेक्टली होंगे या तो आप जानोगे इफ वन नोज अबाउट इट दे कैन आंसर इजली अदरवाइज नॉट अगर आपको पता होगा कर लोगे नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा सकते कॉमन सेंस यूज कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस किए रहे पढ़ रहे होे तो यू कैन यूज दर कॉमन सेंस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऑड वन आउट एंड ऑल दैट सिलेबस इज वास्ट सलेबस जो है वो आपका वास्ट होता है सो देयर इज़ नो नीड टू कवर इंटायर सिलेबस आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे इसके अलावा जब हम बात करेंगे सो एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर टू फाइंड आउट वे द पोर्शंस जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सो so दैट उनसे आप फोकस कर सकते हैं मैं वो चीज़ें भी बताऊँगा आपको अपकमिंग वीडियोज में एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन ओनली वैन यू नो द आंसर्स तुक्का नहीं मारना है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके मेडिकल टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे होते तो मारोगे तो ज़्यादातर नेगेटिव पे जाओगे ठीक है इसीलिए अगर आप जानोगे क्वेश्चन को आप जानते हो कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्ट करिए उस क्वेश्चन को नहीं तो मत ऑप्ट करिए Try to keep your concept clear. अपने concept को clear रखें. Instead of five topics, one can cover three topics. Like अगर आप पांच topic करने की बजाय तीन topic करो. But make sure that three topics are studied thoroughly and so that they can attend any type of questions if asked from the same. ठीक है. So अब ये है कि आप concept को clarity के साथ करिए क्योंकि कहीं से भी question उठ जाता है और अगर concept clarity रहेगी तो आप questions को आसानी से handle कर पाओगे. Rather than कि मगभ करने की बजाय clarity पे आप focus करिएगा ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स टेन ऑन वन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप यानी कि दस पेज को पढ़ के एक पेज पे ला सकते हैं रिवीजन फार्मूला कटिंग समराइजिंग टेन पेजे पेजेस जो लॉन्ग पेज होते हैं अगर हम बात करते हैं दस पेज दस पेज होते हैं दस पेज को पढ़ा उसको एक पेज में समराइज कर दिया यू कैन यूज दिस वन टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है क्यों क्योंकि इस इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं कि वॉट शुड बी योर टाइम मैनेजमेंट बिकॉज एक क्वेश्चन आपको करने होते हैं 125 ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इन वन मिनट 125 ट्वेंटी क्वेश्चन इन 20 मिनट यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही खासा ध्यान रखना है और ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाके नहीं आ पाएगा ये टाइम मैनेजमेंट आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप पढ़ रहे हो जब आप प्रैक्टिस करो तभी से करना पड़ेगा फॉर प्रैक्टिस विद मोर मॉडल पेपर्स लाइक अगर मॉडल पेपर्स या टेस्ट सीरीज के साथ जा रहे हैं यू कॉन गो विद द एस एल ए टेस्ट सीरीज एस एल ए के टेस्ट सीरीज एस एल ए पे आई सी एम आर की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है यू कैन गो विद द विदीएमआर टेस्ट सीरीज एंड यू कैन लर्न दोज थिंग्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक बी पॉज पॉजिटिव एंड आई कैन आई कैन डू एटीट्यूड जो है रखना बहुत जरूरी है अगर आपके पास आई कैन डू एटीट्यूड है डेफिनेटली वो एटीट्यूड आपको और अच्छा करने में हेल्प करेगा सो स्मार्ट अप्रोच क्या आपको बताया गया था देखिए जैसे आपको बताया कि मैंने 125 क्वेश्चन है भैया 120 मिनट में सॉल्व करने के लिए सो ऑलमोस्ट 57.6 सेवन पॉइंट सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा एक मिनट भी नहीं मिल रहा उसमें भी आपके 2.4 पॉइंट सेकेंड्स गायब हो जा रहे हैं सो नियरली वन मिनट फॉर ईच क्वेश्चन अगर इसको हम नियरली देखें तो नियरली वन मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए आपके सो लेवल ऑफ क्वेश्चन इज लाइक फॉर वन मिनट क्वेश्चन जो होते हैं वो वन मिनट जैसे ही होते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफिकल्ट आ जाता बहुत basic questions, one answers है बहुत बेसिक क्वेश्चंस वन लाइनर आंसर्स होते हैं आइदर यू नो और यू डोंट नो या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा सीधी सी बात है कट ऑफ इज़ नियरली सिक्सटी परसेंट जाता है और ये कट ऑफ ओवरऑल होता है दिस कट ऑफ इज ओवरऑल नॉट लाइक ये कट ऑफ जो होते हैं वो सेक्शन वाइज अब नहीं होते ये कट ऑफ जो है आप क्या होता है ये सेक्शन वाइज नहीं होता ओवरऑल हो ओवरऑल होता है मतलब ए और बी को ए और बी को मिला के कट ऑफ जो होता है वो आपको करना पड़ता है ए और बी को सो so, अगर आप इस तरीके से देखेंगे टोटल 125 क्वेश्चन के हिसाब से नॉर्मली अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चन के हिसाब से व्हेन यू लाइक मींस यू हैव टू ऑप्ट फॉर 75 क्वेश्चंस मस्ट बी करेक्ट आउट ऑफ वन लगभग लगभग अगर 60 परसेंट के आसपास जाना है ठीक है 60 जो परसेंट इसका देखें तो ये करीब करीब आपका हो जाता है 75 क्वेश्चन के बराबर 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अब 75 सही होने चाहिए आपको 75 सही करना है टू गेट द 75 फाइव करेट यू नीड टू टारगेट 90 क्वेश्चन एट लीस्ट कम से कम 90 क्वेश्चंस को टारगेट करना जरूरी है और यानी कि ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस को आपको एक, एक 120 मिनट में करना यानी एक मिनट तीस सेकेंड आपको क्वेश्चन पे मिल जाएंगे कुल मिला जुला के डेढ़ मिनट यानी कि डेढ़ मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन पॉइंट फाइव मिनट पर क्वेश्चन एंड दिस इज मोर देन इनफ ये जो है वन पॉइंट फाइव मिनट इज मोर देन इनफ ये जो है आपके मोर देन इनफ हो जाएगा इन टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इफ़ यू लाइक गो अगर आप देखेंगे पार्ट बी में ऑलमोस्ट बेसिक साइंस अगर आप सी एस आई आर की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि इन सब प्रिपरेशन के लिए ठीक है नॉर्मली कि सी एस आई आर की कर रहे हो गेट की कर रहे हो या किसी और एग्जामिनेशन की कर रहे थे तो ऑलमोस्ट इनके जो सिलेबस होते हैं ठीक है ठीके? इनके जो सलेबस होते हैं आई के सिलेबस से बहुत कुछ मैच खाते हैं वो जब मैच खाएंगे तो ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट आपका मैच हो जाता है जब सेवेंटी परसेंट मैच होगा ना जब सेवेंटी परसेंट मैच होता है तो आप आराम से निकाल सकते हो साइंस पढ़ सी एस आई पढ़ रहे थे गेट पढ़ रहे थे अब इन सब चीज़ों को तैयारी करोगे तो सेक्शन बी में एक जो आपके सौ क्वेश्चन थे सौ में से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साठ क्वेश्चन आपके बेसिक इन्हीं गेट और सी से मिल जाते हैं 60 क्वेश्चंस यानी बहुत ही बेसिक्स होते हैं 60 क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेसिक्स मिल जाएंगे जो कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड होंगे अगर ये 60 क्वेश्चंस यहाँ से निकल गए सेक्शन ए में आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कम से कम 15 क्वेश्चन साइंस के होते हैं वो भी साइंस का मतलब आपके बायोलॉजी का ही आपके बायोलॉजी का डिजीजेज है इन सब चीज़ों पे तो यहाँ से पंद्रह क्वेश्चन यहाँ से साठ क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो और पचहत्तर क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन अगर करना चाहोगे तो ठीक है बाकी अगर ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कितना प्रैक्टिस कर पाते हो कितनी चीज़ें कर पाते हो सेक्शन ए को नेगलेक्ट नेगलेक्ट नहीं करना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बिकॉज सेक्शन ए अगर जो लोग नेगलेक्ट कर देते हैं वो दिक्कत हो जाती है अगर आप यहाँ पे साइंस पढ़ लेते हो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीस क्वेश्चन के चांसेज हो जाते हैं साठ क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तीस यहाँ पर टारगेट कर रहे हो और नब्बे टारगेट कर लो आपके पचहत्तर उसमें से बन जाने अगर सही से टारगेट करोगे तो बाकी आपकी मर्जी है आप कैसे चीज़ों को लेके जा सकते हो तो लाइक इन द पार्ट बी यू हैव टू टारगेट सिक्सटी एंड इन द पार्ट ए यू हैव टू टारगेट थर्टी आपको थर्टी टारगेट करना पड़ेगा जिसमें से कि आप अगर ऐसे टारगेट करते हैं तो आप नब्बे को टारगेट करेंगे तब जाके सेवेंटी फाइव सही कर पाएंगे तो ये जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो हैं फिफ्टी फाइव परसेंट कट ऑफ सिक्सटी परसेंट कट ऑफ जा रहा है तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं ठीक है सो so, होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ अब सिलेबस बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स ये स्टैंडर्ड बुक्स कैसे कवर अप करें ठीक है तो इफ यू टॉक अबाउट लाइक प्लान फॉर वन मंथ प्रिपरेशंस अगर आप प्लान कर रहे हो वन मंथ प्रिपरेशंस के लिए तो हियर लाइक प्लान फॉर वन मंथ प्रिपरेशंस बायो अगर आप दो दिन में रिवाइज कर लो मोलिकुलर बायोलॉजी दो दिन में रिकॉम्बिनेंट डेकने टेक्नोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी ये सारे दो दिन में कर लिया आपने सेल बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी फॉर माइक्रोलॉजी एक एक दिन दे दिया एंड जनरल साइंस के लिए चार दिन दे दिया स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट रिविज़न कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया दो दो दिन में तो आप अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ये कुल मिला जुला के एटी थ्री एलेवन फोर फिफ्टीन टू फिफ्टीन एंड सिक्स ट्वेंटी वन ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डेज में आपका ये हो जा रहा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी डेज में आप कर सकते हो रिवीजन बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है या सारा का सारा सिलेबस नहीं पढ़ना जैसा मैंने बताया वॉट यू हैव टू डू वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा क्या करना चाहिए आपके साथ सो so, स्टडी सबसे पहला आप स्टडी करिए उसके बाद प्रैक्टिस करिए रिकॉल करिए इम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव दिस साइकिल मस्ट बी देयर स्टडी प्रैक्टिस रिकॉल इम्प्लीमेंट मिस्टेक्स इम्प्रूव ठीक है तो ये जो है आपका एस पी आर आई आई एम ठीक है तो ये जो है आपका बहुत ही कहते हैं कि हेल्प करेगा तो जो ये ट्रिपल आई है एस पी आर ट्रिपल आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो हेल्प करता है ठीक है एस पी आर स्टडी प्रैक्टिस रिकॉल इम्प्लीमेंट मिस्टेक्स एंड उसके बाद आ जाता है दैट इज इम्प्रूव अगर ये आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे रेस्ट इज़ योर चॉइस इसको अप्लाई करिए अपने डेली रूटीन्स में और अच्छा कर पाएंगे If your dream is to clear the CSIR Net Life Science, I will bring your dream into reality. With my four-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am winning Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code VIRIN or Viren live to get the 10% discount. Let's crack it.